कोविड-19 संकट के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। भविष्य के उस नए दुनिया के तौर तरीके को दिमाग में रखते हुए हेल्दियंस भारत की सबसे बड़ी होम हेल्थ टेस्ट स्टार्टअप और इन्वेंटो लेकर आए हैं रोबोट्स, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑफिस और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आने वाले विजिटर्स को स्क्रीन करेंगे, जिससे संभावित कोविड-19 इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। ये रोबोट सेंसर द्वारा आने वाले विजिटर्स के शारीरिक तापमान की जांच करेंगे। हाय, नेम प्लीज। शरद कुमार। फोन नंबर प्लीज। 9030300300। लेट मी चेक योर बॉडी टेम्परेचर। प्लीज टेक अ स्टेप बैक एंड लुक इन टू द कैमरा। Your current body temperature is 100.8 degrees Fahrenheit. Do you have a fever, cough, throat pain or difficulty in breathing? Yes, I'm feeling feverish. The screening is complete. Now you will need to go to flu clinic for further assistance. Aur interactive artificial intelligence technique ke dwara aur doctor ke saath video call ke madhyam se visitors ko parisar ke andar pravesh karne ki anumati denge. I see that you have fever with high temperature. Let me connect you to the doctor. How are you today? I'm feeling feverish, doctor. Do you have any throat pain or breathlessness? No, doctor. It looks to be normal fever and not COVID. Mitri will issue the entry pass for you. Thank you. Please collect your pass and proceed through gate number 2. Hi, this is Deepak Sahni, founder and CEO at Healthians. Healthians, jaisa ki aap sab log jante hain, इंडियाज़ लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि डोर स्टेप सैम्पल कलेक्शन पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हेल्थियंस इस समय कोविड-19 के दौरान फोरफ्रंट पर है। हमने इस समय में काफ़ी सर्विसेज लॉन्च की हैं, जिसमें डोर स्टेप कोविड कलेक्शन से लेकर ड्राइव थ्रू सेंटर, बूथ बेस्ड कलेक्शन और जिस तरीके से भी हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। आज हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि इन्वेंटो, जो कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है रोबोटिक्स के अंदर, उनके साथ पार्टनरशिप में है। इन्वेंटो अभी तक रोबोट्स बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाता था, और उनके साथ मिलके हम हेल्थ केयर के लिए रोबोट्स बना रहे हैं, जो कि कोविड में फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली प्रूव हो सकता है। इस रोबोट से हम लोग बिना टच और बिना कॉन्टैक्ट में आए पेशेंट्स को स्क्रीन कर सकते हैं, उनका टेम्परेचर स्क्रीन कर सकते हैं, उनका फेस डिटेक्शन कर सकते हैं, और काफ़ी सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, इन लॉबीज़, बाकी जगहों पे लोगों को स्क्रीन करने में इसका काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। और हम ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि यूवी डिसइंफेक्शंस, जहाँ जहाँ पे भी ह्यूमन को जाने से रिस्क है और वो रोबोट से सॉल्व हो सकता है, वो इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी इसको मार्केट में उतारेंगे। और मुझे काफ़ी खुशी है कि इन्वेंटो के साथ मिलकर, जो कि बहुत ज़्यादा सुलझी हुई डीप टेक कंपनी है और जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनके साथ हेल्थ केयर की एक्सपर्टाइज लाकर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाए हैं। और इसको हम बहुत जगहों पे और सारे शहरों में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में, और जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत है, इसको वहाँ लेकर जाएंगे, और कोशिश करेंगे हम जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ लोगों को बचाने में। इससे पीपीई सेव होता है, इससे ह्यूमन सेफ रहता है, तो इससे जितनी भी सेफ्टी प्रोवाइड करी जा सकती है उसको लाने में पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। हाई, माई नेम इज बालाजी विश्वनाथन, आई एम द सीईओ ऑफ इन्वेंटो रोबोटिक्स। वी बिल्ड द मित्रा एंड द एस्ट्रा रोबोट्स फॉर द हेल्थ केयर इन पार्टनरशिप विद द हेल्थियंस। Healthians helps us with the healthcare expertise as well as provide the right kind of diagnostic tools to take telemedicine as well as automation in healthcare to the next level. The immediate problem that we have is in the COVID crisis. As healthcare workers get close to the infected patients, there's a huge amount of preventable losses in nurses, doctors, and other healthcare workers. So we have been really focusing on solving that problem by having better screening at the entrance that can do better contact tracing as well as reduce the exposure of healthcare workers. In parallel, we are also building robots to be able to disinfect hospital environments better. In the long run, the robotics and the healthcare expertise together can bring significant help to India grow as a healthcare player, and we could solve problems not just in India but globally. And we are very thankful for this kind of a partnership